है और इसके अंदर के हालात कुछ इस तरीके के हैं। देखिए आप मेरे पीछे, ये पूरा देखिए किया कितना बड़ा है, एक पूरा कैंपस है इधर से लेकर पूरा एक बार ये से राजस्थान वो राजस्थान से कन्याकुमारी तक नो कश्मीर टू कन्याकुमारी। इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरी राइड का 29वां दिन है और अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं अनंतपुर से आगे के लिए बैंगलोर की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन आज के दिन की शुरुआत है वो मैं कुछ बहुत ही स्पेशल लोगों से करने वाला हूँ जिनके साथ इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ वो है RDT के जो ऑफिस है वहाँ पर। तो मेरे साथ ये पूरे लोग हैं। हेलो नमस्कारम। ये सभी लोगों ने आज मुझसे प्रॉमिस किया है कि आज के बाद ये प्लास्टिक बॉटल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे, पेड़ लगाएंगे और इसके साथ ही साइकिल का प्रयोग करेंगे। मामा ग्रामालो प्लास्टिक कवर लग बदलू मैं मंदिर गुड़ा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप सभी लोगों से मिलकर मुझे। और अभी जो मेरी राइड है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। आप सभी लोग आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टाटा बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना। फिर से मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। और आपका जो हुंडी प्रोग्राम बताया इन्होंने मुझे, ये सभी लोग एक हुंडी यानी जो घड़ा होता है उसके अंदर पैसे डालते हैं जिसको हम गुल्लक बोलते हैं और ये 9 अप्रैल को अपना हुंडी को तोड़ते हैं और उसके बाद जो पैसा निकलता है वो सारा पैसा ऑर्फनेज, जो अनाथ बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन सबकी पढ़ाई और उन सबके लिए डोनेट करते हैं। तो मैंने इन सभी लोगों को प्रॉमिस किया है कि मैं भी जो हुंडी है उसको पूरे देश भर में फैलाऊंगा और इस हुंडी प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा और मैं इसको अपनी लाइफ में अपना रहा हूं कि आज से 9 अप्रैल को मैं उस हुंडी को तोड़ूंगा, उसमें जो पैसा निकलेगा वो मैं सभी जो गरीब लोग हैं, अनाथ लोग हैं या NGO हो गया तो उन जगह पर जाकर उनको डोनेट करूंगा। नमस्कार। సైకిల్ యాత్ర చేస్తున్నాడని, సైకిల్ యాత్ర చేస్తాడనేది ఈయనే. ఈయన పేరు, ఏ పేరు? కన్యాకుమారి వర్క్ చేస్తున్నాడు. సొంతూరు వచ్చేసి And I'm doing a cycling tour from Kashmir to Kanyakumari. మన దేశానికి అక్కడ లాస్ట్ బార్డర్ వచ్చేసి కాశ్మీరు, ఇక్కడ లాస్ట్ బార్డర్ వచ్చేసి కన్యాకుమారి. నేను మా ఇంటి చుట్టూ నేనున్న ప్రదేశాల్లో మొక్కల్ని నాటి పర్యావరణ అభివృద్ధికి కృషి చేయాలని చెప్పి. రోమో రోమో నండరి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ People are asking your phone number. Yeah, sure. Bye sir, nice to meet you. Okay sir, thank you so much sir. Okay. With you? Yeah, sure, sir. Right. Where are you from, sir? I'm from Bangalore. Bangalore, okay. Yes. Highest mountain to the bottom of the ocean, yeah. Hi. ये मेरी बेटी है. Okay, hi. Anishka. What's your name? Anishka. Anishka, okay. What's your name? Jerry Chaudhary. Yeah, okay. Yes. Thank you, Jerry. Thank you, All sir. All the best. Nice to meet you, sir. Thank you. Thank you so much. Nice meeting you. Bye. आप Facebook पे हो ना? हाँ यस सर, इंस्टा फेसबुक या जेरी चौधरी या जेरी चौधरी यस सर पीछे आप। हेलो मैम, नमस्ते, थैंक यू मैम। आज मेरे 29वें दिन का सफर शुरू हो गया है और सफर काफी टाइम पहले शुरू हो गया था लेकिन आज हम चलते हुए काफी टाइम बाद बात कर रहे हैं। इस वक्त हो गया है 5:10 और आज हमने हार्डली 40 किलोमीटर कवर किए हैं। हुआ ऐसा कि आज विंड्स थी। हेलो अन्ना, हाय। जेरी चौधरी, हेलो अन्ना, हाय। आई एम फ्रॉम राजस्थान। यस, यू गो टू कश्मीर? नो, आई एम गोइंग टू कन्याकुमारी। आई स्टार्टेड माय राइड फ्रॉम कश्मीर। यू आर कमिंग फ्रॉम कश्मीर? यस सर, आई एम कमिंग फ्रॉम कश्मीर गोइंग टू कन्याकुमारी। सो हम बात कर रहे थे कि सफर शुरू हो चुका है और काफी खूबसूरत शाम होने वाली है। इस वक्त शाम के 5:15 हो गए हैं और हम ज़्यादा किलोमीटर्स कवर नहीं कर पा रहे हैं। कल हमने लगभग 140-150 किलोमीटर का सफ़र पूरा किया था, आज मुझे लगभग 40 किलोमीटर और कवर करने हैं ये सोचकर निकला हूँ मैं। अभी जो जगह आएगी उसका नाम है पेनुकोंडा। इस वक्त हम आंध्र प्रदेश के अंदर हैं। होप सो आज या कल हम बॉर्डर को क्रॉस करके कर्नाटका में एंटर हो जाएंगे। लोग काफ़ी सपोर्टिव हैं, साउथ इंडिया के लोग इतने सारे मिलकर रुक कर बात करते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं, ऑल द बेस्ट बोलते हैं और पूछते हैं खाना खाया,
यू नीड मनी एंड ऑल। इस वक्त एग्जैक्ट शाम के 6 बज गए हैं। सूरज बाबा पहाड़ों के पीछे कहीं दूर नीचे सूर्यास्त हो गया है, कल मॉर्निंग में फिर से आएंगे ऐसा बोलकर। और हमारी जो सहजादी है उसको ट्रक का सहारा लेकर हमने खड़ा कर दिया क्योंकि स्टैंड टूट चुका है और अभी तक हमने स्टैंड नहीं लगवाया है। अब मैं आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ जो आज के टाइम में गाड़ियों में सबसे ज़्यादा लोग गाड़ी खरीद रहे हैं, उस गाड़ी का शोरूम है बहुत बड़ा। और ये देखिए आप मेरे पीछे, ये पूरा देखिए किया कितना बड़ा है, एक पूरा कैंपस है इधर से लेकर पूरा एक बार जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी उस जगह तक आगे पूरा एरिया उन्होंने कवर कर रखा है। ये देख सकते हो पूरा ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई एयरपोर्ट हो। और सामने बहुत ही बड़ा किया लिखा हुआ है और ये बहुत ही खूबसूरत कैंपस है। और इस तरफ चारों तरफ पहाड़ हैं बड़े बड़े। ये तो बात होगी किया की, अब अपन अपनी शहजादी की बात करते हैं। कल शाम को क्या हुआ था कि जैसे मैं साइकिलिंग करके अनंतपुर के जो कैंपस है स्पोर्ट्स एकेडमी उसकी तरफ जा रहा था तो अचानक हमारी शहजादी के बैक टायर में एक कील घुसी और वो पंक्चर हो गई। हम जैसे ही स्पोर्ट्स एकेडमी के सामने पहुंचकर रवि सर से बात कर रहे थे 10 से 15 मिनट, तब तक पूरी हवा निकल चुकी थी। और जैसे हम चले ट्यूब की जो नली होती है वो नली वहाँ से टूट गई, हमें पता नहीं चला। हम एक शॉप पर गए और उनको बोला भैया पंक्चर हो गई, तो हमारे अन्ना थे उन्होंने उनको उठाया और बताया। तो उन्होंने जैसे टायर को ओपन किया तो पता चला कि इसका जो ट्यूब है उसकी नली टूट चुकी है और उनको रिपेयर करना नहीं आता है। तो हमने हमारी शहजादी को रात को वहीं रख दिया। शहजादी को मिस बहुत किया अपन ने, मैं सच बताएं तो। फिर मॉर्निंग में उठने के बाद हम सीधा हमारी शहजादी से मिलने के लिए हमारी इच्छा हुई तो हम अन्ना को फ़ोन किया, अन्ना आए गाड़ी लेकर बोलेरो और हम हमारी शहजादी को लेकर अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट गए। तो डिस्ट्रिक्ट जाने के बाद हमारी शहजादी को में जो बैक टायर है उसमें एक नई ट्यूब डलवाई और जो फ्रंट टायर था उसको बैक में और बैक टायर था उसको फ्रंट में डलवाया। ऐसा क्यों किया? ये पूरा घिस चुका है ऊपर से, ये बिल्कुल ब्रांड न्यू है, इस वजह से दोनों टायरों को एक्सचेंज कर लिया। तो क्या है कहने का मतलब, हमारी शहजादी को अब कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और अभी पेनुकोंडा आएगा यहाँ से 10 से 12 किलोमीटर बाद, तो आज हम थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि कल वह 140 मारना पड़ेगा अगर आज ज़्यादा नहीं किया तो आज रात में साइकिलिंग करना पड़ेगा रे बाबा। और आज जो गांव के लोग थे उनसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। आजकल हम अपने गोप्रो का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हाईवे पर, लोग बोलते हैं कि थोड़ा एरिया ज़्यादा दिखाया करो, तो हम एरिया दिखाने लग गए सभी को। तो हमारे एकदम लेफ्ट साइड में किया का मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है जहाँ पर किया बनती है वो एरिया है, और सामने बहुत ही खूबसूरत हिली एरिया है, बहुत खूबसूरत पहाड़ है और सनसेट हो रहा है। तो पहाड़ों में आप कभी भी देखना रात को जब शाम को जब सनसेट होता है तो खूबसूरती डबल हो जाती है। जो सूर्य देवता की जो लालिमा है जब वो बिखरती है तो बहुत ही खूबसूरत लगता है, नज़र आता है। तो यस, आज हमें लगभग 30 किलोमीटर की राइड और करनी है यहाँ से। तो चलिए जी निकलते हैं इस हाईवे पर, हाईवे साथ रहेगा हमारे। हेलो सर, हाय। किधर से? राजस्थान। ओ राजस्थान से कन्याकुमारी तक? नो, कश्मीर टू कन्याकुमारी सर। I am from Kerala. What's your good name? Jerry Chaudhary. After that, now 50 kilometer, the Bagepalli Vista, that is the border of Karnataka. 50 kilometer? 50-55 kilometer. Okay. After that, Bagepalli Vista, that is the small town actually. Okay. Then the Karnataka only, because the highway is like that only. तो इस वक्त भी हम साइकिलिंग कर रहे हैं, रात के लगभग 8 बजने वाले हैं और अभी भी हम रोड पर हैं। और इस वक्त हम जा रहे हैं चिकबलापुर की तरफ। रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है और हिली एरिया बहुत ज़बरदस्त है, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, देखने को कुछ मिल नहीं रहा है, काश दिन में आता, बट इससे आगे नंदी हिल आएंगी तो उनको देखा जाएगा अगर ऑन द हाईवे रही तो, उनका लुत्फ उठाया जाएगा। और अभी हमें यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है, उसके बाद हम पेट्रोल पंप पे रुकेंगे। और आज हवाएं रात में भी बहुत तेज़ चल रही हैं। अभी भी हवाएं अपोजिट डायरेक्शन में हैं बट अभी भी हम चल ही रहे हैं। और हाईवे पर ट्रैफिक कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही है पहाड़ी एरिया होने की वजह से। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा गर्म था दिन में, लगभग 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था। देखते हैं हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। इट्स ए गुड मॉर्निंग और आज मेरा नेक्स्ट डे है। कल रात को मैं यहाँ पर सोया था, इस जगह पर टेंट लगाया था इस कदर, और यहाँ पर टेंट का जो ऊपर का कवर है वो रखा हुआ, वहाँ पर हमारी शहजादी है। नींद बहुत अच्छी आई। और ये पेनुकोंडा से लगभग 10 से 15 किलोमीटर आगे और बैंगलोर से 120 किलोमीटर पहले, रात को व्लॉग एंड नहीं कर पाया था इसलिए अभी कर रहा हूँ। और अभी मुझे निकलना है यहाँ से सीधा बैंगलोर के लिए। सो
ये HP का पेट्रोल पंप और यहाँ पर अन्ना लोग जिन्होंने रात को खाना वगैरह खिलाया कि आसपास में कोई शॉप वगैरह नहीं है इस वजह से। थैंक यू सो मच रब जी। और अभी बस राइड स्टार्ट करने का वक्त आ गया है, सारा सामान पैक करना है और स्लीपिंग बैग वगैरह मैंने पैक कर दिया है। तो बस हो गया है आज का 20 कल का 29 डे का एंड यहाँ पर। आज 30वां दिन हमारा स्टार्ट होगा यहाँ से बैंगलोर के लिए। और हमने जो चलो नेक्स्ट व्लॉग में बात करते हैं हमने क्या किया। अभी के लिए बाय, टेक केयर। एंड अगर व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा। बाय। इस जगह पर लगा था, यहाँ हमारी शहजादी थी, ये हमारा सारा का सारा उसका कवर है और इसके अंदर के हालात कुछ इस तरीके के हैं। इसके अंदर यहाँ पर हमने हमारे बैग वगैरह भी रख लिए थे ताकि सेफ्टी रहे। और रात में यहाँ पर ओस बहुत गिरती है, इस वजह से ओस गिरने की वजह से मैंने इसको उतार कर यहाँ पर रख दिया है ताकि वो सूख जाए। और अभी टोटली सूख चुका है, चार्जिंग के लिए सारी चीज़ें अंदर लगा दी हैं। तो अभी निकलने का वक्त आ गया, चलिए जी।